रुखसाना अख्तर। और आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है ये। और ये जो है हम शहदान करबला की याद में हलीम पकाते हैं, उनकी नियाज़ दिलवाते हैं, क्योंकि मैदान करबला में जो है उनकी शहादत के बाद जो है उनके अहले खाना की नियत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला की शहादत के बाद उनके अहले खाना के लिए हलीम तैयार किया गया था। इसी वजह से हम ये नियाज जो है नियाज दिलवाते हैं और ये हमारे लिए बहुत सवाब का बायस बनती है। तो इसमें जो मैंने आज तैयार करूँगी वो इस तरह है कि 250 ग्राम जो है मैंने गंदम लिया है, 250 ग्राम जौ लिया है, 200 ग्राम चने की दाल है, 100 ग्राम चावल इसमें डलेंगे और जो है 100 ग्राम ही हमने 200 ग्राम जो है ये हम दालें हैं इसमें, चार तरह की दालें हैं, मूंग की दाल, मसूर की दाल, माश की दाल, तीन किस्म की दालें हम डालेंगे। ये सब चीज़ें मैंने सारी रात भिगो दी थी। अब इसको जो है मैं चढ़ाऊँगी, उसमें हल्दी डालूँगी और लहसुन अदरक डाल के इनको पकने के लिए रख दूँगी, फिर गोश्त का अलग से कोरमा तैयार करूँगी। तो आइए बनाते हैं। दालें हैं, गेहूँ है और जौ है, चने की दाल है, इन सबको इसमें डाल दिया। अब हम ये 1.5 चम्मच हमने इसमें लहसुन अदरक मिला दिया और क्या कहते हैं डाल दिया हमने इसके अंदर। अब हम इसको जो है गलने तक पकाते रहेंगे, अब हम कोरमा तैयार करेंगे। तो आए चलिए देखते हैं। हलीम की हमारी दालें वगैरह भी बॉयल हो रही हैं, अब हम इसमें कोरमा बनाएंगे। पहले हमने दो बड़ी बड़ी प्याज़ें जो हैं उसको काट के, दो बड़ी प्याज़ों को, और एक कप हमने ऑयल लिया है उसमें डाल दिया है। अब हमारी प्याज जो है वो ब्राउन होगी तब हम कोरमा बनाएंगे। अच्छा जी, तो मैं आपको वाकई करबला का सुना रही थी। तो 8 मुहर्रम को खेमों में से बीबी सकीना की आवाज़ आई, सूफी जान पानी की प्यास लग रही है। उस मासूम बच्ची को तड़पता देखकर अब्बास अलमदार से ना रहा गया और वो मशकेदा कंधों पर डालकर नहर की तरफ चल दिए कि मैं मासूम सकीना के लिए पानी लेकर आता हूँ। अब्बास अलमदार जब नहर तक पहुँचे तो वहाँ पर भी यदीदी लश्कर की फौज तैनात थी, लेकिन आप घोड़ा दौड़ाते हुए नहर में दाखिल हो गए और घोड़े से उतर कर मशकेदा भरना शुरू कर दिया। उन्होंने एक चिल्लू पानी उठाया था और पीने लगे तो मासूम सकीना का चेहरा याद आ गया। पानी वहीं फेंका और मशकेदा भर कर कंधे पर चढ़ाया। घोड़े पर सवार हुए नहर से बाहर निकले तो जालिमों ने छुप कर वार किया और जिस कंधे पर मशकेदा था वो काट दिया। आपने मशकेदा दूसरे कंधे पर रख लिया, यदीदी सिपाहियों ने वार करके दूसरे कंधे को भी काट दिया। अब मशकेदा गिरने लगा तो उन्होंने दांतों से मशकेदा को पकड़ लिया और घोड़े को दौड़ाया तो यदीदियों ने तीर बरसाना शुरू कर दिए। कुछ तीर उनके घोड़े को लगे और कुछ उनको लगे और मशकेदे के अंदर भी पेवस्त हो गए, जिससे सारा पानी वहीं गिर गया। और जब जख्मों के ताबनाना अगर घोड़े से गिर गए तो उन्हें करीब आकर उनका सर तन से जुदा कर दिया। अच्छा देखिए, ये मेरी प्याज जो है ये लाल अभी हो जाए तो उसके बाद फिर मैं इसका कोरमा बना दूँ। प्याज गोल्डन हो चुकी है, अब हम ये 1 किलो हमने चिकन लिए है वो हम इसमें कोरमे में शामिल कर देंगे। और उसके बाद हलीम मसाला ये मेरा अपना बनाया हुआ है, आपको मैं बताऊंगी किस तरह मैंने बनाया है। इसके 1 किलो में जो है 5 जो है टेबल स्पून हम ये डालेंगे, ये हमने डाल दिया इसमें। और लहसुन अदरक डालेंगे इसके अंदर, लहसुन अदरक जो है ज़्यादा डालते हैं इसमें, मैंने इसमें भी डाला है दालों में भी, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा बनता है। अब देखें ये हमारा कोरमा जो है ये तैयार होगा, उसके बाद हमारा बहुत मज़ेदार हलीम जो है तैयार होगा। देखें जी, हमारा बहुत मज़ेदार और बहुत ही अच्छा सा कोरमा जो है तैयार हो रहा है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की याद में आज हम ये हलीम पका रहे हैं, उनकी कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। दीन के लिए उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है और हमारा दीन जो है उन्हीं की वजह से आज दीन इस्लाम हमें मिला है। तैयार, तकरीबन तैयारी के आखिरी मराहिल में चल रहे हैं। कभी भी इसको अकेला नहीं छोड़ा करें, खिचड़े को या हलीम को, नहीं तो ये उबल के बाहर गिर जाता है। खिचड़ा जो होता है वो थोड़ा मोटा मोटा होता है, हलीम जो होता है वो ज़रा बारीक होता है। और हमारी दालें जो हैं तकरीबन तैयारी के आखिरी मराहिल में, हमारा कोरमा भी तैयार हो रहा है, इन दोनों को मिक्स करेंगे और हमारा ये जो हलीम है तकरीबन 1 से 1.5 घंटे में हमारा ये तैयार हो रहा है, समझे आप। अच्छा जी देखिए, अब हम ये कोरमा जो है दालों में मिक्स करेंगे, फिर हमारा बहुत मज़ेदार हलीम तैयार हो जाएगा। देखिए ये हमारा हलीम जो है तैयार हो चुका है, माशाल्लाह से बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत प्यारा हमारा ये हलीम तैयार हुआ है। जो खाएगा उसको मज़ा आ जाएगा। आप लोग भी अपने घर में हलीम की तैयारी करें, आज या कल हलीम ज़रूर पकाइएगा हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला की याद में।
और मज़े करिएगा, बच्चों को भी हलीम खिलाइएगा, इसी बहाने हम जो है हलीम खा लेंगे, बहुत ताकत की चीज़ है ये। आइए डिश आउट करते हैं। हमारा बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी एंड डिलीशियस सा हलीम जो है तैयार हो चुका है, बहुत आसानी से ये बन जाता है, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है ये, बहुत मज़ेदार हलीम पक्का है। जौ, गंदम और तमाम दालें, चने की दाल मिक्स करके, चावल मिक्स करके हमने बनाया है, चावल से इसमें लेस बनता है। और मैं आपको हर दफ़ा कुछ ना कुछ भूल जाती हूँ, ये बताना भूल गई थी कि मैंने कोरमे में जो है तमाम खड़े गर्म मसाले डाले हैं, दालचीनी की स्टिक डाली है, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, ज़ीरा, जायफल, जावित्री और ये तमाम चीज़ें मैंने उसमें डाली हैं, तेज़पत्ता डालेंगे, उससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह हाफिज़।